देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में हुए शराब सिंडिकेट गोलीकांड और शहर में शराब की क्वालिटी को लेकर मची अफरा तफरी के बाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए अब शराब की बोतलों के कबाड़ का कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में गोलीकांड और जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस ने शराब कारोबार से जुड़े हर एक शख्स पर पैनी नजर रखना शुरू कर दी है। यही वजह है कि इंदौर के पूर्वी क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरीक ने बताया कि अब शहर में शराब से जुड़े हर कारोबारी पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की मुश्किलें सामने न आए। उन्होंने कहा है कि शराब की बोतलों पर लेबल लगाने वालों के साथ ही खाली बोतलें खरीदने वाले कबाड़ियों पर भी कार्रवाई की जाएगी ताकि इंदौर में शराब को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद सामने न आए। एसपी इंदौर ने आज साफ किया है कि गोलीकांड के आरोपी हेमू ठाकुर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इंदौर एसपी के बयान के सामने आने के बाद अब उन कबाड़ियों की खैर नहीं जो खाली बोतलों के सहारे अपने जीवन की मदमस्त किए हुए थे। देखिए, जो भी ये अवैध शराब होती है या नकली शराब बनाते हैं उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो बॉटल का, स्टिकर का और ढक्कन का, ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसके अलावा स्प्रिट तो एक अपना अलग पार्ट है ही उसमें। तो ये बात सामने आई कि यदि अब हम लोग जो हाथों से बॉटल निकलती हैं या कि बार से बॉटल निकलती हैं या कि कबाड़ियों के पास जो बॉटल जाती हैं यदि उसकी अकाउंटिंग सही ढंग से करें तो काफ़ी कुछ इनपुट पुलिस को मिल सकते हैं जिसमें कि अपराध होने से पहले ही सतर्क हुआ जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो ऑडिट है इसका बॉटल का कि कोई ऐसा बंदा है जो कि मास लेवल पे चीज़ें कर रहा है या कि कोई आदमी इस तरह की चीज़ें खरीद रहा है तो उसकी ऑडिट की जा रही है। इसके अलावा जितने भी बूटलेगर हैं जो अवैध शराब के उसमें रहे हैं जिन पे 34-2 के या जहरीली शराब के मामले कायम हुए हैं उसमें भी सारे जितने भी अपराधी हैं सबको एक एक करके उसकी लिस्टिंग की जा रही है, उसकी ये पहचान की जा रही है कि इसमें पता किया जा रहा है कि अभी ये सक्रिय रूप से क्या कर रहे हैं और यदि वो सक्रिय हैं और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ़ भी कठोर कार्रवाई करने के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं और लगातार हम लोग सभी लोग इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। सर, इसको लेकर टीम भी गठित की गई है और इसमें जो जाँच है सीएसपी साहब को सौंपी गई है, किस तरह की जाँच है और यदि इसमें कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसमें किस तरह की कार्रवाई? नहीं, इसमें देखिए ये बिल्कुल आदरणीय DIG सर के निर्देश हैं कि जितने भी बूटलेगर हैं जिनका पुराना इतिहास रहा है शराब बेचने का उसमें सबकी एक सूची भी यहाँ से दी गई है तो उस सूची के अनुसार हर किसी को वेरीफाई करना है कि उसमें वो सूची का वेरिफिकेशन सही तरीके से हो और उस पर जो बूटलेगर या किस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं उन पर कार्रवाई थाना प्रभारी समय रहते कर लें क्योंकि इसके बाद यदि ये बाद में समझ में आता है, इंट्रोगेशन में कहीं पता चलता है कि वो पहले से इन्वॉल्व थे और उस पर थाना प्रभारी ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की है या उसमें किसी तरह की लापरवाही की है तो फिर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। जो गोलीकांड में सिंडिकेट ऑफिस में जो गोलीकांड हुआ था उसको लेकर के टीमें सक्रिय हैं और लगातार एक टीम है जो इस पर कंटिन्यूसली, बाकी तो ऐसा दूसरे काम आते रहते हैं लेकिन एक टीम कंटिन्यूसली इसी को फॉलो कर रही है और जो विवेचना के पार्ट हैं विवेचना के पार्ट के लिए भी हम लोगों ने एक सेपरेट इसमें एक यूनिट बना रखी है कि उसकी विवेचना सही तरीके से हो, निष्पक्ष हो और उसमें जो दोषी हैं वो कोई बचे नहीं और जो निर्दोष हैं वो फंसे नहीं। तो इस तरीके से काम चल रहा है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि उसमें एक आरोपी है हेमू ठाकुर का जो कि अभी फरार है और बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Yeah.